नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूँ स्वाति रायना। धनतेरस पर धन बरसे, यही दुआ यही इच्छा सबकी है। तभी तो शुभ दिन लोग सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं और इस साल भी इस शुभ दिन लोग जमकर शॉपिंग भी कर रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले सोने का सस्ता होना ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों के लिए भी फायदे का सौदा साबित हो रहा है। धनतेरस पर धन बरसे, सोने चांदी की खरीदारी, बाजार में ढेरों ऑफर्स। धनतेरस पर नई चीजें खरीदना, सोने चांदी खरीदना बेहद शुभ माना जाता है, इसलिए तो लोग जमकर शॉपिंग भी कर रहे हैं। इस धनतेरस भी शॉपिंग करने के लिए काफी वैरायटी मौजूद है। धनतेरस पर ज्यादातर लोग सोने चांदी के सिक्के खरीदना पसंद करते हैं, तो बाजार में अलग अलग डिजाइन के सिक्के 1 ग्राम से 100 ग्राम तक मौजूद है। पहले तो लोग बहुत ट्रेडिशनल कॉइन खरीद लिए, ये खरीद लिए, मगर अब लोगों को उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता। हम उनको 1000 चीज दिखाते हैं तो कहते हैं और क्या है और नया क्या है। सो लोगों को हरदम जागरूकता है कि हमें अब नया क्या दिख रहा है। वही गहनों का शौक रखने वालों के लिए ज्वेलर्स कई स्कीम्स भी लेकर आए हैं। TBZ डायमंड ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस ही नहीं ले रहा, हालांकि सोने के गहने पर 249 रुपए प्रति ग्राम मेकिंग चार्जेस ले रहा है। तनिष्क ने दिवाली के लिए खास शुभम कलेक्शन की ज्वेलरी उतारी है, जिसमें गोल्ड की ज्वेलरी पर मेकिंग चार्जेस 25% तक कम है। डायमंड ज्वेलरी खरीदने पर बिल वैल्यू में 25% की छूट है। ज्वेलरी ब्रांड ऑरा 31 अक्टूबर तक डायमंड ज्वेलरी की बिल पर 20% छूट दे रही है, जबकि प्रति 10 ग्राम सोना खरीदने पर 1500 से 2500 रुपए तक की रियायत का भी ऑफर है। मेकिंग चार्जेस में भी 50% तक की छूट है। गीतांजलि जेम्स में तो सीधे सीधे 20% तक का डिस्काउंट है। गहने की वैल्यू पर बड़े बेनिफिट्स का भी दावा है। जैसे 1.25 लाख रुपए के ब्रांडेड गहने लेने पर 25,000 रुपए की वैल्यू तक का 3 पीस का डायमंड सेट फ्री मिलेगा, साथ ही 40,000 वैल्यू तक का डायमंड रिंग और 25,000 रुपए की वैल्यू वाली एक इंटरनेशनल ब्रांड की वॉच भी मिलेगी। यानी इस धनतेरस बाजार में वैरायटी के साथ ऑफर्स की भी कोई कमी नहीं है। बेनिफिट ऑफ योर परचेज वैल्यू आपने पहले सुना नहीं होगा इसके बारे में। तो अगर आप नक्षत्र, अश्मी, जली, सांगिनी, परिणीता, इनमें से कोई भी ब्रांडेड ज्वेलरी आप खरीदे डायमंड का, आपने खरीदारी की 1,25,000 की और आपको मिल रहा है एक्स्ट्रास ऑफ ज्वेलरी, डायमंड एज वेल एज वॉचेस वर्थ द सेम वैल्यू। जब बाजार में इतनी वैरायटी मौजूद हो, तो आप भी इस धनतेरस अपने लिए और अपनों के लिए कुछ खास लीजिए और बनाएं इस दिवाली को सबसे खास। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो धनतेरस पर धन बरसे और कैसी है रौनक बाजार में, और इस पर बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ मौजूद हमारे रिपोर्टर्स तो हैं ही, लेकिन खास मेहमान हमारे साथ मशहूर सिंगर एंड म्यूजिक कंपोजर बप्पी लहरी जी हैं। बप्पी दा, आपका बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। आज का मौका बेहद ही खास है, धनतेरस दिवाली का भी शुभ मौका है। नमस्कार जी। और जितना आपके गानों के लिए, आपकी आवाज के लिए हर कोई आपको जानता है, उतना ही आपके स्टाइल, और जैसा हम देख पा रहे हैं आपका वही पुराना स्टाइल जिससे जिसके हर कोई कायल है, जिसके हर कोई फैन है, वैसा स्टाइल हम अभी भी देख पा रहे हैं। आपके गाने तो एवरग्रीन है ही, लेकिन आपका जो स्टाइल कलेक्शन है और गोल्ड कलेक्शन है वो भी बेहतरीन है। तो इस बार आपने खास तौर पर धनतेरस की तैयारी कैसे की और गोल्ड कलेक्शन में और क्या नया ऐड किया है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है, आज का दिन बहुत शुभ है मेरे लिए। माता लक्ष्मी माँ का दिन है, मैं बहुत पुजारी हूँ। इसके लिए आप देख सकते हैं मैं हमेशा गोल्ड मेरा गॉड है। आज धनतेरस है, दिवाली आ रहा है कल, सबको दिवाली मुबारक। धनतेरस के लिए सबको मेरा शुभकामनाएं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, इस साल जो है मैं गोल्ड में एक नया कुछ लिया, ये एक गणपति बाबा है लेकिन और एक लिया, इट इज लुमिनेक्स। लुमिनेक्स एक मेटल है, उसके मैं धारण किया। और डेफिनेटली ऑफ कोर्स मिसेस चित्रा नीलायरी, शी इज बाइंग फुल डाइनिंग सेट दिस ईयर, सिल्वर का डाइनिंग सेट ले रहा है। राइट बप्पी दा, आपका जो गोल्ड कलेक्शन है उसका जो स्टाइल है उसके क्या कहने हैं?
इनफैक्ट मैं टिप्स भी आपसे जानना चाहूंगी और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे कि जब आप कोई भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदने के लिए जाते हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपके पास जो एक कलेक्शन है वो बेहद यूनिक है और जैसा अभी आपने दिखाया कि आपने अब कलेक्शन में गणपति को भी अब ऐड किया है, तो किन बातों का ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए गोल्ड ज्वेलरी सिलेक्ट करते हैं? नहीं देखिए, मेरा मेरा गले में जो है बिगिनिंग से, मेरा मम्मी जो पहला हरे कृष्ण हरे राम दिया था, उसके बाद शादी के बाद मिसेस चित्रा नीलायनी ने हमको गोल्ड में बापी, गोल्ड में गणपति था, बाद में बालाजी गोल्ड में, तो मैं कलेक्शन मीन्स जो भी मैं धारण किया हूँ सब कुछ उनका नाम का है, भगवान मेरा साथ में है, गॉड इज़ ग्रेट। तो कलेक्शन जो है मैं खुद नहीं करता हूँ, ये ऑलवेज मिसेस चित्रा नीलायनी हमको डिज़ाइन करके देते हैं। ऑलराइट। और जैसे ये हाथ का है, जी जी जी, ये गोल्ड एंड प्लैटिनम, गोल्ड प्लैटिनम, एक्चुअली एक कलेक्शन बेहद यूनिक है और डिफरेंट है, वेरी डिफरेंट। ऐसे देखिए जी, गोल्ड का है वॉच, जी जी, गोल्ड कंपनी से एक अलग से बना के दिया है आपको, तो अलग से यूनिक कलेक्शन बप्पी दा की है, जिसको देख के एक्चुअली हर कोई चकाचौंध रह भी जाता है। धनतेरस का मौका है, बट डेफिनेटली मौका बेहद ही खास है बप्पी दा। गोल्ड कलेक्शन की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जब ऐसे त्यौहार पर आपकी आवाज का जब जादू चलता है तो वो त्यौहार का जो रंग है और जो रोशनी है वो दुगनी हो जाती है। और मैं आपको बताऊं, यकीन कीजिए, जब भी कोई त्यौहार होता है आपके गाने जो होते हैं वो हर जगह बजते हैं, इसलिए हम चाहेंगे कि ऐसे त्यौहार पर आप कोई एक ऐसा गाना सुनाए जो एक्चुअली हर किसी का मनपसंद। वैसे मैं भी अपना एक फेवरेट बताऊंगी, लेकिन आप अपना फेवरेट एक सुना दीजिए पहले। नहीं नहीं, आपका फेवरेट बताइए, आपका फेवरेट बताइए। मेरा तो देखिए 650 फिल्म्स, 5000 सॉन्ग्स है, इतना सालों से मैं काम कर रहा हूँ, 48 ईयर्स। तो आप बोलिए आपका क्या पसंदीदा गाना बप्पीदा अभी, क्योंकि वैसे धनतेरस का मौका है, एक माँ लक्ष्मी वगैरह की पूजा तो करते हैं ही, एक आपसे एक मैं एक्चुअली एक ट्रेडिशनल भक्ति सॉन्ग सुनना चाहूँगी, उसके बाद एक पार्टी सॉन्ग मेरी फरमाइश है जो कि आई एम अ डिस्को डांसर, मैं डेफिनेटली सुनना चाहूँगी, क्योंकि शुरुआत हम हमेशा भगवान की भक्ति से करते हैं, तो आपकी आवाज़ में एक से एक खूबसूरत गाने हैं, उनमें से कोई एक सुना दीजिए। नहीं, मैं एक लाइन सुनाऊंगा, लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, सबको ले लो प्रणाम, ले लो प्रणाम, ले लो प्रणाम, आज धनतेरस का दिन ही है, आपको पूजा हम करते हैं, लक्ष्मी ओ लक्ष्मी, माता लक्ष्मी, आपके द्वारे आए हैं हम, आए हैं हम। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत हुई है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का त्योहार है और उनको मनाने के लिए तो आपकी आवाज से अच्छा और हो ही क्या सकता है। लेकिन जब कुछ ऐसे लम्हे होते हैं बप्पी दा, जब एकदम रिलैक्स करने का मन करता है और दिवाली पे पार्टी करने का मन करता है, तो आपके गाने जरूर बजते हैं। और जैसे मैंने कहा था कि मेरा एक फेवरेट है जो अगर आप सुनाएं तो दर्शकों के लिए भी मेरे बहुत अच्छी दिवाली हो जाएगी, वो है आई एम अ डिस्को डांसर। सो आई रिक्वेस्ट यू सर। नहीं नहीं, डिस्को डांसर नहीं, आपकी मर्जी का। आप मौके पर जो हम लोग को टॉपिक्स चल रहे हैं, पॉपुलैरिटी का स्टाइल, गोल्ड स्टाइल, तो मैं ये गाना सुनाता हूँ। जी सर। यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना 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 नहीं चांदी नहीं, यार तो मिला और प्यार कर ले, यार बिना चैन कहाँ रे, प्यार बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं, यार तो मिला और प्यार कर ले। बेहतरीन। आपने याद आ रहा है तेरा प्यार,
बहुत बेहतरीन, आप लोग का प्यार चाहिए बस और कुछ नहीं। इनफैक्ट देखने वालों को सबको मेरा शुभकामना है और आप लोग प्यार देते रहिए बपीदा को। बपीदा आपका आशीर्वाद और आपकी आवाज सुनकर ही हम इतने समय से बड़े हुए हैं और एक के बाद एक गाने इतने सालों से हम आपके सुनते आए हैं। लेकिन अब इस दिवाली पे कुछ खास अगर हम चाहें कि जैसे हम क्योंकि गोल्ड की बात करें, गोल्ड कलेक्शन की बात करें, सिल्वर की बात करें, धनतेरस में कुछ खास देना है, आपका कोई फेवरेट हम जानना चाहेंगे कि जब अगर मानिए क्योंकि आपको गिफ्ट मिले हैं इतने सारे आपके माँ के आशीर्वाद से, आपके रिश्तेदारों के आशीर्वाद से, गिफ्टिंग अगर आप करना चाहे, अगर किसी को गिफ्ट देना है सोने में, कोई ज्वेलरी देनी है, तो कोई आपके लिए कोई पसंदीदा कोई ऐसा ज्वेलरी होती है, ऑर्नामेंट होता है जो आपको खास तौर पर पसंद है? हाँ, मैं ऑलवेज किसी को देना है तो मैं लक्ष्मी माता की सिल्वर कॉइन और गोल्ड कॉइन मैं देता हूँ ऑलवेज। और इस बार जो खास तौर पर तैयारियां हैं दिवाली की और धनतेरस की, वो कैसी चल रही है? क्योंकि धनतेरस का मौका सोने चांदी खरीदने का मौका है, दिवाली का मौका रोशनी से पूरे जग को जगमगाने का मौका है, कैसी आपकी खास तैयारियां हैं इस बार? मैं तैयारी इस बार थोड़ा कम है, घर में मेरा लाहिरी परिवार थोड़ा हम लोग जवानों के लिए हम लोग बहुत दुखत रहे जी। तो उनका मैं हमेशा प्रणाम करता हूँ, शहीदों को प्रणाम करता हूँ और उनके लिए थोड़ा इस बार काम है, वो जो खुशियाँ हैं अंदर से जो खुशियाँ हैं वो बहुत काम है, ठीक है। लेकिन हम लोग को करना है, माँ का आराधना करना है, दिवाली करना है, धनतेरस करना है, तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा मन में अभी बपीदा, ये बात आपने बहुत सही कही क्योंकि हमारे भी अपनी तरफ से कोशिश है, जी मीडिया भी लगातार यही कह रहा है कि इस बार दिवाली सैनिकों के साथ मनाइए, कोई भी सैनिक परिवार है उनके साथ मिलकर उनका घर रोशन करने के लिए उनकी मदद कीजिए। बपीदा आपने ये बात बहुत सही कही है, दिवाली तो हम अपने घर परिवार के साथ मनाते ही है, लेकिन अगर सैनिकों के परिवार वालों के साथ भी मनाए, उनका भी घर रोशन करने में मदद करे, इसे बेहतरीन और क्या हो सकता है। तो ऐसे ही परिवार के लिए, ऐसे ही परिवारों के लिए, सैनिकों के लिए जो कि हमारे लिए रक्षा कर रहे हैं, दिवाली का जो है जी जी बपीदा, मैं एक सैनिकों के लिए मैं सुनाना चाहता हूँ। जय हिंद, जय जवान, शहीदों को प्रणाम, शहीदों को प्रणाम। भारत जमी का टुकड़ा नहीं, ये जीता जागता राष्ट्रीय पुरुष है। हिमालय जिसका मस्तक है, गौरी शंकर शिखा है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। जय जवान, जय जवान। वाकई दिवाली अगर हम सैनिकों के साथ, उनके परिवार वालों के साथ, उनका घर रोशन करने में मदद करें तो बहुत बेहतरीन होगा। और बपीदा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने बेहतरीन गाना सुनाया है उनके लिए भी। बपीदा आपके तो इतने सारे गाने हैं, इतने सारे आपने गाने कंपोज किए, अपने आवाज़ से सुसज्जित किए हैं, आने वाले समय में हम आपकी तरफ से और क्या कुछ नया सुन सकते हैं, उसकी अगर कोई झलक हमें सुनने को अभी मिले तो? बहुत सारा कुछ आ रहा है, नया गाना बहुत आ रहे हैं। मेरा एक अभी मैं एक पिक्चर राम रतन एक पिक्चर किया, उसका गाना बहुत अच्छा हुआ। फिर एक गाना दमादम मस्कलंदर जो गाना था, उसका भी मैंने रिमिक्स किया है, जिसमें माय सन बप्पा लहरी उन्होंने रिमिक्स किया है एक अमेरिकन पॉप स्टार का साथ, और स्नूप डॉग का साथ एक बहुत बेहतरीन गाना। दमादम मस्कलंदर की कुछ लाइनें हो जाए क्योंकि बहुत ही लेजेंडरी सॉन्ग है, आपकी आवाज से सुनने में इसके इस पर चार चांद लग जाएंगे। बट ये गाना जो है यूट्यूब में जाइए, बहुत अच्छा लगे, क्योंकि दिस सॉन्ग इज लाइक ए फ्यूजन है, और इसमें जो अमेरिकन सिंगर है बपीदा, दो लाइनें जूलियन बहुत अच्छी गाय। Oh,
मेरी पत रखियो भला झूले लाए जिंदरी दा सोवन दा सखीवा सखीजा वाच कलंदर दमा दम मस्त कलंदर अली दा वंदे अंदर दमा दम मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर दवादम मस्त कलंदर। और इसी गानों के साथ और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं बपीदा हमसे बातचीत करने के लिए। और धनतेरस पर कुछ टिप्स भी आपने दिए, बताया भी कि गोल्ड कलेक्शन और इसमें मौके पर सोने की खरीदारी कितनी शुभ है, और खासतौर पर जवानों के लिए जो आपने संदेश दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया बपीदा हमसे खास बातचीत करने के लिए, और आपको दिवाली की शुभकामनाएं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस बार दीपावली मैं मना रहा हूं सब कुछ, लेकिन दिल में बहुत दुख है हमारा सैनिकों के लिए, हमारा जवानों के लिए, बिकॉज दे आर द हीरो, हम लोग उनका भरोसा में रहते हैं जी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बपीदा हमसे बातचीत करने के लिए। तो बपीदा थे जिन्होंने कहा कि इस बार उनकी दिवाली होगी देश के सैनिकों के नाम। लेकिन धनतेरस पर इस वक्त पूरे देश में कैसी रौनक है, कैसी खरीदारी चल रही है, यही जानने के लिए हमारे साथ मेरी दो सहयोगी जुड़ी हुई हैं। मेरे साथ मुंबई से सिल्की है और साथ ही नोएडा से विभा सचदेव भी है। सिल्की, आपके पास मैं आऊंगी शाम का समय, और डेफिनेटली धनतेरस की तैयारियां जोरों शोरों से अभी चल रही हैं, लोग गोल्ड खरीद रहे हैं। इस बार अगर थोड़ा बहुत ट्रेंड की बात करें, फील की बात करें, पिछले साल के मुकाबले काफी ज्यादा जोर शोर से लोग बढ़ के आ रहे हैं सामने खरीदारी के लिए। जी बिल्कुल स्वाति, और जिस तरह से बपीदा भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्हीं के अगर बात की जाए, उनका ही ये गाना बिल्कुल फिट बैठता है इस धनतेरस पे, तोहफा 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 लाया लाया लाया। तो जिस तरह से बपीदा के सॉन्ग में बताया गया है, वैसे ही इस बार ज्वेलर्स भी कई सारे ऑफर्स के साथ उतरे हैं, और वो आप देख सकते हैं। कैमरामैन को बोलूँगी कि पैन करके एक बार दिखाएं कि किस तरह की रौनक है यहाँ TVZ स्टोर में, चर्च गेट में मैं हूँ। और जैसे कि जो मुहूर्त था शॉपिंग करने का धनतेरस के दिन, वो था शाम 5:30 बजे से शाम 6:20 तक। और देखिए अभी यहाँ पर किस तरह से लोग सोने और चांदी के चीज़ों की खरीदारी कर रहे हैं, साथ ही डायमंड्स वगैरह की भी खरीदारी कर रहे हैं। TVZ ने खास तौर से इस दिवाली में अपने जो डायमंड ज्वेलरी हैं उस पे मेकिंग चार्जेस फ्री रखी हैं, और गोल्ड ज्वेलरी पे 249 पर ग्राम के हिसाब से मेकिंग चार्जेस लगा रहे हैं। साथ ही न्यू रेंज ऑफ कलेक्शंस भी लाई गई हैं। इस बार ट्रेंड जो है वो ऐसी ज्वेलरीज का है जो कि ईजिली वेयरेबल हो, जिन्हें खरीद के केवल बॉक्स में ना रखा जाए और जिन्हें डेली वेयर में यूज़ किया जाए। तो लोग वैसी छोटी लेकिन प्रिटी ज्वेलरीज खरीद रहे हैं। और अगर जो फुटफॉल की बात कही जाए तो उसमें भी 10-15% का इस साल इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। सेल्स भी इस साल काफ़ी बढ़ेंगे, हालांकि गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी सेल्स ज़्यादा होने की उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि लोगों के पास डिस्क्रिशनरी स्पेंड ज़्यादा है इस साल। बिल्कुल, और दिल्ली और NCR में कैसा मूड है यही जानने के लिए विभा के पास चलते हैं। विभा, मुंबई में तो मूड बहुत अच्छा है, तो क्या अभी जहां पर आप हैं वहां पर भी सोने की चमक में इजाफा हुआ है इस बार? बिल्कुल स्वाति, मैं आपको बता दूं, दोपहर से ही मैं यहाँ पर मौजूद हूँ पूरे बाज़ार में, यहाँ पर ज्वेलर्स के देख रही हूँ कि क्या कुछ यहाँ पे खरीदारी हो रही है। मैं इस समय यहाँ पर नोएडा में कल्याण ज्वेलर्स पर हूँ। मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से सारे काउंटर्स भरे हुए हैं, जहाँ लोग सोने के सिक्के और गिन्नियाँ खरीदते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ज्वेलरी पर भी उतना ही फोकस है इस बार। और एक और चीज़ है यहाँ पर, जैसे सिल्की ने भी बताया कि ज्वेलर्स जो हैं वो ग्राहकों को कई ऑफर्स देकर लुभा रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर भी अगर हम ऑफर्स की बात करें तो जैसे 25,000 रुपये मिनिमम की शॉपिंग पर यहाँ पर गोल्ड कॉइन फ्री दिया जा रहा है, सोने की 25,000 रुपये की शॉपिंग, और बाकी अगर डायमंड में 25,000 रुपये की मिनिमम शॉपिंग की जाती है तो उस पर 2 गोल्ड कॉइन फ्री मिल रहे हैं। तो इस तरह के ऑफर्स दिए जा रहे हैं। कई ज्वेलर्स तो बम्पर प्राइस में गाड़ियाँ भी दे रहे हैं। तो काफ़ी तरीके से यहाँ पर ग्राहकों को लुभाया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि अच्छा मानसून और उपभोक्ता मांग में जो बढ़ोतरी हुई है उसकी वजह से भी खरीदारी अच्छी होने का अनुमान है। यहाँ पर बिक्री अच्छी हो रही है ज्वेलर्स की, अभी तक तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी कई काउंटर्स तो ऐसे हैं जहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं है, वहाँ पे लोगों को वेट करना पड़ रहा है। और ये खाली सोने में ही नहीं, चांदी में भी यही हाल है।
डेफिनेटली, तो वहां पर भी सोने चांदी में एक्चुअली ग्राहकों की रुचि बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है. सिल्क इनफैक्ट लोगों से आपकी बात हुई होगी जो खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, बिजी तो डेफिनेटली बहुत होंगे, उनका क्या कह रहे हैं कि इस बार उन्हें कैसी फील लग रही है? डेफिनेटली जो ज्वेलर्स हैं उनकी तरफ से भी कई ऑफर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन ग्राहकों के लिए उनके पर्सनल चॉइस के हिसाब से इस बार कैसा उन्हें लग रहा है सिल्की? जी यहाँ पे फिलहाल जो आप देख सकते हैं सारे लोग बिजी हैं शॉपिंग करने में. और अभी थोड़े देर पहले मेरी बात हो रही थी एक परिवार से जिन्होंने जिनके घर में शादी है मार्च में, लेकिन उन्होंने अपने जो ज्वेलरी की खरीदारी है वो अभी से ही शुरू कर दी है. एक तो मौका है ऑस्पिशियस डे होने का, साल में 2-3 ऐसे मौके होते हैं जिन्हें सोने की खरीदारी या फिर चांदी की खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है, अक्षय तृतीया, धनतेरस और दशहरा और अक्षय तृतीया तो बीत चुका है, अभी धनतेरस है. और आज लोग जमकर सोने चांदी की खरीदारी करते हैं और आने वाले समय में जिस तरह से अब वेडिंग सीजन भी अप्रोच हम कर रहे हैं तो लोगों का बहुत ज्यादा डिमांड देखने को मिल रहा है किसी भी तरह की ज्वेलरी परचेज में. वाकई तो डिमांड जैसी है वैसे ही ऑफर्स भी, बम्पर डिस्काउंट देने को मिल रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया विभा, और साथ ही सिल्की आपका बाजार का मूड खासतौर पर धनतेरस के मौके पर बताने के लिए.